वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ बनिए गुरसिख प्यारा क्विज शो दे सारे प्यारे ते सूझवान दर्शकों का निघा स्वागत है। अज असी 26वें सीजन का पहला एपीसोड शुरू करने जा रहे हैं। इस सीजन दे विच साढ़े पास भारत के वख-वख शहरां चो ते नाल ही US और कैनेडा चो भी पार्टिसिपेंट इत्थे आप जी के सामने परफॉर्म करेंगे। लगभग ये सफ़र जिहड़ा 8 साल का सी तुहाडे नाल शुरू किया सी गुरु की कृपा नाल, अज ये सफ़र लगभग भारत के 30 तो उपर शहरों तक पहुँच चुका है। और नाल जिस तरह मेरे वीर हरजिंदर सिंह ने दस्या है कि विदेशों के अंदर भी कैनेडा की अमेरिका की और इस तो इलावा होर कई मुल्कों के अंदर ये प्रोग्राम लोगों ने दिलचस्पी नाल देखिया भी और नाल हिस्सा भी लैण की इच्छा जाहिर की और लिया भी। सो करदे हां जी शुरू फिर अज दा पहला एपीसोड। तो दर्शकों दिओ इजाजत 26वें सीजन दे पहले एपीसोड दे विच तुहाडा सारिआं दा स्वागत। आप जी दे हरमन प्यारे प्रोग्राम आओ बनिए गुरसिख प्यारा दे व्यूअर्स नाल मैं ये गल सांझी करन च बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हाँ कि आप जी दे इस हरमन प्यारे प्रोग्राम नूं अज 8 साल तो उपर बीत चुके हैं। आप जी का प्यार, आप जी का इस सुनने का शौक सानू इस काबिल बना सका है कि असी इसनों और कंटिन्यू करते रहिए। 8 साल जिन्हें भी प्रोग्राम हुण तक टेलीकास्ट होए हैं वो सारे ही सारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। हिम्मत है इस दे विच साड़ी सारी टीम जिहड़ी कि जिहदे च खास तौर पर सरदार हरजिंदर सिंह जी चावला, सरदार कुलमुन सिंह जी, राजसन सी, जिन्होंने इस प्रोग्राम नूं इत्थों तक पहुँचाया। इस दे विच कोई शक नहीं कि यह आप जी दे प्यार दा ही सदका है, लेकिन यह भी नाल है कि आप दे प्यार तो बिना वह भी कल शायद कुछ ना कर पाते। ये साड़ी सब दी खुशकिस्मती है, साड़ी साढ़े धन भाग हैं। अज 26वां सीजन नवा स्टार्ट हो रहा है, जिस विच असी उम्मीद करते हाँ कि उस तरह ही आप जी का प्यार ते लगन सानू मिलती रहेगी। असी इस काबिल अपने आप में समझांगे कि अगर असी इस नूं वध तो वध तुहाडे तक पहुँचा सकीए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब जी तो वाक लैण समय आम तौर पर एक श्लोक जिहड़ा कि 1426 अंक ते सुशोभित है, सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दे शाह, जिस पास बैठिया सोई है सबना दा वेसाह। इत्थे लफज़ पातशाह ते शाह आया है। इसनू आम तौर पर साडे ग्रंथी साहबान पातशाह ते साह पढ़ते हैं, जबकि ये दो वर्ड्स जड़े पैर दे विच बिंदे नाल उचारण होणगे तां ही इन्हां दा कोई अर्थ बनेगा। सो विचार गुरबाणी दी इतनी जरूरी है, जे असी विचार करदे हां तां समझ आउंदी है कि ये पातशाह और साह तां कोई लफज ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं निकलदा। पातशाह बई जिहड़ा अकाल पुरख है वह पातशाहां दा भी पातशाह है, ही इज़ द किंग ऑफ द किंग्स। सो इस करके बड़े ध्यान नाल गुरबाणी नूं समझ के पढ़ांगे, विचारांगे, तां ही सानूं अर्थां दा बोध होएगा ते असीं अपने जीवन विच इन्हां नूं अपना सकांगे। फिर लास्ट ते वेसाह लफज है, उहदे थले हाहे दे थले औंकड़ है, ये सिंगुलर है। और पातशाह दे थले भी औंकड़, शाह दे थले भी औंकड़, हाहे नूं औंकड़, उह शाहो ते पातशाहो नहीं पढ़ना। कृपा करके सारे साढ़े दर्शक ध्यान देन कि असी आप समझिए, होर वीरां भैणां नूं जिथे ग्रंथी साहब भी इसका उचारण ठीक ना करन उन्हां नूं भी सलाह दिओ कि गुरबाणी नूं आओ बहुत ध्यान दे नाल समझ के पढ़िए, विचार नाल पढ़िए, ताकि असी गुरु पातशाह दे जिहड़े असली भाव अर्थन उन्हां नूं समझ सकीए। सो आरंभ करने जा रहे हैं जी अपने अज दे एपीसोड 1 ऑफ सीजन 26। पहले पार्टिसिपेंट्स साढ़े नाल गुरप्रीत कौर जी अजमेर तो जुड़ रहे हैं। असी उन्हां नूं जी आया कहिंदे हाँ ते रिक्वेस्ट करदा हाँ मैं उन्हां नूं कि अपने बारे साढ़े दर्शकों के नाल सांझ पाऊँ। प्लीज़ गुरप्रीत कौर जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
गुरप्रीत कौर फ्रॉम अजमेर राजस्थान। मैं MSc फाइनल ईयर की स्टूडेंट हाँ। तो मेरे फादर हरदीप सिंह, मदर तरविंदर कौर। तो मैं आओ बने गुरसिख प्यारा विच इतने तक पहुँच के मैं बहुत खुशी हुई है मैनू। तो मैं बहुत बहुत मेरे नॉलेज में वाधा होया है सिलेबस में पढ़ते हैं। बहुत वधिया जी, आप जी ने कहा है कि इस शो की तैयारी करते हुए आप जी की नॉलेज के वाधा होया है। तो असी देखांगे आज साढ़े दर्शक वॉच करेंगे कि आप जी ने कितना लर्न किया है। सो अगर आप जी रेडी हो तो आप जी के नाल आज दा एक कंपीटिशन शुरू किया जाए। हाँ जी, प्रश्न की लड़ी आराम करन तो पहले मैं आप जी के नाल गुरप्रीत कौर जी रूल्स शेयर कर दिया। देयर विल बी 9 क्वेश्चन इन ऑल इन 2 लैवल्स। पहले लैवल 5 क्वेश्चन होंगे, एक लाइफ लाइन एक्सपर्ट एडवाइस की आप जी पास होएगी। लैवल 2 ते 4 क्वेश्चन होंगे जिदे विच एक होर लाइफ लाइन आप दी 50-50 दी खुल जाएगी। अगर आप जी पहले लैवल ते लाइफ लाइन नहीं यूज़ करते तो आप जी कैरी कर सकते हो लैवल 2 ते। 45 सैकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन इन लैवल 1 एंड 60 सैकेंड्स फॉर आंसरिंग ईच क्वेश्चन इन लैवल 2। हाँ जी, बिफोर एनीथिंग एल्स प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस स्लोगन फॉर द डे। क्वेश्चन नंबर 1 इज नाउ ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज नीडेड टू रीड एंड अंडरस्टैंड गुरबाणी। गुरबाणी नूं पढ़न ते समझण लई किस चीज़ की लोड़ है। गुरप्रीत कौर जी, क्वेश्चन आप जी ने देखा, हुण आप जी लई ऑप्शनस आ रहे हैं। ए द फीलिंग ऑफ द माइंड, मन की भावना। बी लोकेशन स्थान। सी कंपेनियन साथी। डी टाइम समा। केड़ी ऑप्शन गुरप्रीत कौर जी आप जी ने ठीक लगती है? पहला क्वेश्चन है आप जी लई। हाँ जी, इसका आंसर होएगा ए फीलिंग ऑफ द माइंड, मन की भावना। मन की भावना एक ऑप्शनल आप जी जाना चाहते हो। अगर आप जी कॉन्फिडेंट हो तो असी ये नू लॉक कर दें जी। प्लीज़ एक ऑप्शन नू लॉक किया जाए। हाँ जी, और बिल्कुल ठीक जवाब आ गया। बहुत वधिया जी, आपने ओपनिंग बड़ी अच्छी की है। वधांगे असी दूसरा क्वेश्चन लैके आप जी पास। सैकेंड क्वेश्चन ऑफ द गेम इज नो ऑन योर स्क्रीन। हुम डिड गुरु हर राय साहब सेंड टू औरंगजेब। श्री गुरु हर राय साहब जी ने औरंगजेब कोल किसनू भेजा सी। क्वेश्चन समझ आ गया जी? हाँ जी। आप जी दे ऑप्शन ए श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी, बी अपने वड्डे सपुत्र राम राय, सी बाबा अटल राय जी, या डी बाबा गुरदित्ता जी। ध्यान दे नाल सोच के। हाँ जी, आंसर बी द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज एल्डेस्ट सन राम राय, अपने वड्डे सपुत्र राम राय। आप जी कहना चाहते हो कि अपने वड्डे सपुत्र राम राय नूं उन्होंने भेजा है। बी ऑप्शन नाल आप भी जाना चाहते हो? ठीक है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट वी हैव नो हेजिटेशन इन लॉकिंग ऑप्शन बी। प्लीज ऑप्शन बी नूं लॉक किया जाए। हाँ जी, एंड इट्स अ करेक्ट आंसर। बहुत वधिया जी, वेल डन। वधांगे जी थर्ड क्वेश्चन लैके गुरप्रीत कौर जी आप जी पास। थर्ड क्वेश्चन ऑफ द गेम आप जी लई स्क्रीन ते आ रहा। क्वेश्चन थर्ड इज नाउ ऑन योर स्क्रीन। गुरप्रीत कौर जी, कंप्लीट द नेक्स्ट तुक फ्रॉम बाणी ऑफ आनंद साहिब। आनंद साहिब की बाणी विचों अगली तुक पूरी करो। ऑडियो प्ले हो रहा है। गुरप्रीत कौर जी बड़े ध्यान नाल, सानू उम्मीद है आप जी सुनोगे तो अगली तुक दसोगे जी। साढ़े दर्शक भी नाल दे नाल बड़ा ध्यान रखन और वो भी घर बैठे इस प्रोग्राम नाल होर ज़्यादा जुड़न लई नाल नाल गुरबाणी दी तुक भी याद कर सकते हैं। लो जी, जिव तू चलाहे तिवै चलै जिना मार्ग पावे।
कर कृपा जिन नाम लाहे से हर सदा प्यारे। कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्याव है। आप जी ने जवाब दिता, देखते हैं जी कंप्यूटर जी आप जी नाल एग्री करते हैं या नहीं। कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्याव है। बिल्कुल ठीक जवाब आ गया गुरप्रीत कौर जी। इस तुक नु आप जी गा के प्लीज कंप्लीट करो। जिब तू चलावे तिरे चले जिना मार्ग पावे, कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावे। बहुत बढ़िया जी। सो थर्ड क्वेश्चन भी आप जी का बिल्कुल ठीक हो गया। आप जी ने अजे तक अपनी लाइफलाइन भी बचा के रखी है। वधांगे जी चौथा क्वेश्चन लैके गुरप्रीत कौर जी आप जी पास। What is the meaning of highlighted word in the following Gurbani verse? Gurbani di heth likhi tuk vich ujagar hoye shabad da ki arth hai? Re gun heen deen maya krim simar swami ek kadi। Krim lafz aaya hai ede vich, us da aap ji ne meaning dassna hai heth likhe options de vich। ऑप्शन ए तितली बटरफ्लाई, बी ग्रीब पुअर, सी पन हैवी लोड, डी कीड़ा इनसैक्ट। कि ऑप्शन आप जी को ठीक लग रही है गुरप्रीत कौर जी? क्रिम का की अर्थ हो सकता है? मैं ऑप्शन डी नाल जाना चाहवांगी, ऑप्शन डी कीड़ा इनसैक्ट। ऑप्शन डी कीड़ा। आप जी ने जिस तरह स्पर ऑफ द मोमेंट जवाब दिता है बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो, और असं जल्दी के नाल डी ऑप्शन को लॉक करते हैं जी। एंड इट्स ए करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक जी। बहुत जी साढ़े दर्शक भी बहुत आनंद लै रहे होंगे घर बैठे। और वधांगे असी फिफ्थ क्वेश्चन वाल। फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द गेम आप जी की स्क्रीन पर आ रहे हैं जी। इट्स अ विजुअल राउंड, आइडेंटिफाई द सिख परसनैलिटी। सिख शख्सियत की पछाण करो। आप जी ने हूँ एक इमेज दिखाई जा रही है गुरप्रीत कौर जी, ध्यान नाल देखनी है। और उस तो बाद आप जी लिए ऑप्शन आ रहे हैं। इमेज दिखाई जावे जी। देख लीजिए आप जी ने इमेज गुरप्रीत कौर जी। हाँ जी। ऑप्शंस ए सरदार गुरप्रताप सिंह, बी सरदार जसकरण सिंह, सी सरदार जगजीत सिंह, डी सरदार हरमीत सिंह। केड़ी ऑप्शन आप जी ने ठीक लग रही है? जगजीत सिंह। सी ऑप्शन जगजीत सिंह। जगजीत सिंह दर्दी जी है ये। सी ऑप्शन सरदार जगजीत सिंह। इन्हें बारे जानते हैं आप जी कुछ? हाँ जी, चढ़ती कला टाइम टीवी दे ये चेयरपर्सन है, और इन्हें अभी पद्मश्री अवार्ड भी कंफर्म हुआ है। वेरी गुड, आप जी ने पूरी इन्फॉर्मेशन है। देखते हैं आप जी का जवाब ठीक है या नहीं। सी ऑप्शन लॉक किया जाए जी प्लीज। और बिल्कुल ठीक जवाब आ गया जी। गुरप्रीत कौर जी आप जी ने साढ़े स्पॉन्सर्स और सारी टीम वालों बहुत बहुत मुबारक। आप जी ने लेवल 1 क्रॉस कर लिया है। असी अपने दर्शकों नू दस दईए कि सरदार जगजीत सिंह जी इज़ ए वैटरन जर्नलिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट अवॉर्डिड विद पद्मश्री अवॉर्ड। ही इज़ आल्सो द चेयरमैन ऑफ श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल्स एंड चढ़दी कला टाइम टीवी, जिथे साढ़े दर्शक ये सारे शो लगभग 8 सालों तो इन्हों का भी सहयोग है तो ये शो चल रहा जी। सारे दर्शक भी इसनों वॉच करते हैं। थैंक यू। असी लवेंगे अपने दर्शकों को इतने एक छोटा जिहा ब्रेक। ब्रेक दे विच साढ़े दर्शकों लिए एक ऑडियंस क्वेश्चन आ रहा है। आप जी घर बैठे इस शो के नाल जुड़ सकते हो। अगले शो दे विच आप जी का फोटो विद योर नेम सिटी नेम असी टीवी के उत्ते प्रदर्शित कर सकिए। थैंक यू सो मच। रफ्तार भरी जिंदगी विच जरूरत है समय तो अग्गे रहण दी। तरक्की दी राह ते साथियां नू नाल रखण दी। कॉन्फिडेंस है दुनिया सामने हर रूप दे विच खड़े होण दा। ते कॉन्फिडेंस मिलदा है सिमको तो। सिमको सुप्रीम हेयर फिक्सर, सिमको क्लासिक हेयर फिक्सर।
ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਲਾਈ ਅਪਨ ਸਿਮਕੋ। ਸਮੀਰ, ਵਾਓ, ਜਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਮੂਵ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਸਮਾਰਟ ਫੀਚਰਸ ਕੇ ਸਾਥ। ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਗਾ, ਖੁਦ ਦੇਖ ਲੇ। बेहतरीन पिक्चर, स्टाइलिश डिजाइन, 3 साल की वारंटी। वाइबर, द एलईडी टीवी स्पेशलिस्ट। When it's about style, it's Simco. Simco Swift Power Hairspray in Mega Strong, System Professional and Ultra Strong. Simco Swift Power Hairspray. Style begins with it. Sadi Maa Boli Punjabi, Padh Punjabi, Likh Punjabi, Gairat Manda, Bol Punjabi. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Today's audience question is, name the former Indian Sikh diplomat recently appointed as envoy on technology by the United Nations Secretary General. Aap ji apne jawab screen te likhe procedure anusar sanu bhej sakde ho. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਂਕਰ ਵੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕੇ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ 50-50। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। 5 ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਏ ਮਾਸਟਰ ਅਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਬੀ ਮਾਸਟਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ ਮਾਸਟਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ। ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੀ ਮਾਸਟਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਸਟਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਧਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। In which of these Canadian provinces first Gurdwara has been opened in Stratford in April 2022 and was the only province without a Gurdwara Sahib? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟ੍ਰੈਟਫੋਰਡ ਵਿੱਚ April 2022 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਬੀ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਡੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰੀਏ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ।
सिख विद्वान की आवाज की पहचान करो, आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ सिख स्कॉलर। हूँ आप जी नू एक सिख विद्वान की आवाज़ सुनाई जाएगी, ऑडियो क्लिप है, आप जी ने पहचान करनी है कि वो आवाज़ किन्ना दी है। ऑडियो क्लिप ऑन की जा रही है। पर जे गुरु ग्रंथ साहब नू पुछिए तो कहंदे ने जे वेला वक्त विचारीए तो कित वेला भगत होए। बाणी किसे वेले भी पढ़ी जा सकती है, ये ठीक है कि पंथ ने तुहाडियां ऑप्शंस ने ए डॉक्टर गुरिंदर सिंह बटाला, बी डॉक्टर जगीर सिंह चंडीगढ़, सी ज्ञानी साहिब सिंह जी मारकंडा, डी डॉक्टर गुरदर्शन सिंह। इसका आंसर है सी ज्ञानी साहिब सिंह जी मारकंडे वाले। ऑप्शन सी नू लॉक करके देखते हैं कि तुहाडा उत्तर ठीक है कि नहीं। तुहाडा उत्तर बिल्कुल ठीक है और तुसी पहुंच गए हो इस प्रतियोगिता के आखिरी प्रश्न। साढ़े दर्शकों दी धड़कन भी तुहाडे नाल जुड़ गई ने और लगता है कि तुसी इत्थों अवार्ड जीत के जा सकते हो। तो अगला प्रश्न यानी कि इस प्रतियोगिता का आखिरी प्रश्न आप जी लई आप जी की स्क्रीन। सुपर सिक्स वालों 2022 लई किहड़े सिख नूं सुपर सिख मैराथन अंबैसडर चुनिया गया। विच सिख हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द सुपर सिख मैराथन अंबैसडर फॉर 2022 बाय सुपर सिक्स। तुहाडियां ऑप्शनस ने ए सरदार कुलदीप सिंह, बी सरदार जगदीप सिंह, सी सरदार जसप्रीत सिंह, डी सरदार कुलविंदर सिंह। जी एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस वास्ते आज साडे नाल जुड़े ने सरदार कमालजीत सिंह जी। आए अनुसार कमालजीत सिंह जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप देख रहे हो वीर जी कि इत्थे साडे प्रतियोगी जड़े ने इस प्रश्न ते आके एक्सपर्ट एडवाइस लै रहे ने और ये प्रश्न उन्हां नू प्रतियोगिता विच जिता भी सकदा और बाहर भी कढ़ सकदा सी। लेकिन आस है कि तुहाडी एक्सपर्ट एडवाइस तो बाद ये प्रतियोगिता तो सफलतापूर्वक जीत के जा सकेंगे। सो ऑप्शन तुहाडे सामने ने, कृपा करके इन्हां दी मदद करन दी कृपालता करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी गुरप्रीत कौर जी, बहुत सोहना खेल रहे हो। जिहड़ा सवाल हैगा कि 2022 दे विच सुपर सिख मैराथन दे अंबैसडर कौन सीगे, उन्हां दा नाम हैगा कुलविंदर सिंह। सरदार कमालजीत सिंह जी कहिंदे ने कि ऑप्शन डी सरदार कुलविंदर सिंह इज़ द राइट आंसर। की तुसी उन्हां दी इस राय दे नाल सहमत हो और जाना चाहोगे? हाँ जी, मैं जाना चाहूँगा। आप जी नूं मैं दस दियां कि तुहाडा उत्तर यानी कि जो एडवाइस नाल जाना तुहाडी अकलमंदी साबित होया। तुसी इस प्रतियोगिता तो आओ बनिए गुरसिख प्यारा दा टाइटल जीत के जा रहे। बहुत बहुत मुबारकां साडी सारी टीम वालों भी, साडे स्पोंसर्स वालों भी और नाल नाल ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਕਮਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੁਜਿਆ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਓ ਬਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਡੀਅੰਸ ਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਸ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਔਰ ਸਰਦਾਰਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਪੋਂਸਰ ਸਿਮਕੋ ਔਰ ਵਾਈਬਰ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣ ਕੇ
अपने इलाके दे विच होर लोगों नूं जथेबंद करोगे और नाल इस प्रोग्राम दे नाल ही इस प्रश्नों के नाल इन्हां कोलों होर प्रश्न लैके तुसीं उन्हां नूं तैयार करोगे। बहुत बहुत मुबारक, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। आओ बनिए गुरसिख प्यारा, आओ बनिए गुरसिख प्यारा। तो दर्शकों तुसीं देखिया कि गुरप्रीत कौर जी जिहड़े कि अजमेर तो साडे नाल जुड़े हुए सन, इत्थों टाइटल जित के गए। आओ बनिए गुरसिख प्यारा प्रोग्राम, ये प्रतियोगिता केवल उन्हां लोकां लई नहीं जिहड़े लोग इहदे विचकार आ के भाग लैंदे ने, जिहड़े लोग घर बैठे ने वह भी इहदा हिस्सा बणदे ने। और जिहड़ा तुहानू ब्रेक दे विचकार प्रश्न पूछा गया उहदे नाल भी तुसीं लगातार इस परिवार का हिस्सा बन सकते हो। अज दा एपीसोड असीं इत्थे समाप्त करन जा रहे हां। साडा सवाल सी उहदा जवाब आप जी जरूर भेजो और घर बैठे ही आओ बनिए गुरसिख प्यारा का हिस्सा बन जाओ। दिओ इजाज़त, अगले हफ्ते ऐसे ही प्रोग्राम दे विच ऐसे ही चैनल से फिर मिलांगे। इस वेले तद तक दिओ इजाज़त, अपना ध्यान रखियो। रब राखा, रब राखा, रब राखा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरू जी।